मॉर्निंग क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 12 ए तक हो गया था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 बी आपका होमवर्क था, उसको कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, जो मैंने दो दिन पहले क्लास थी उसमें मैंने जो एंट्री लिखवाई थी उससे बेस में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड ऑन मशीनरी 2000, राजे रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, अजय सिंह वॉज बैंकक्रप्ट डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, ही ओव 2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, 2000 फॉर वेजेस एंड 4000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, परचेज फर्नीचर फॉर 6000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹2,00,000, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सब क्या है आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी 500 एंड 2000। तो एंट्री क्या थी, डेट क्या है, डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर वन एंट्री डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड किस पे है, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, अब एंट्री आप कंबाइन करना सीखो, ठीक है। तो कितना है, फर्नीचर पे 500 और मशीनरी पे 2000, 500 फर्नीचर पे, मशीनरी पे 2000, ठीक है। तो फर्नीचर पे 500, मशीन पे 2000, टोटल मिला कितना डेप्रिसिएशन हो गया 2500। तो यहां पर आएगा 2500। नरेशन क्या है, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, ठीक है, ये आपका नरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पहले हमने कोई चीज बैड डेट की थी, अब उसका पैसा मिल गया, ये क्या हो गया, बैड डेट रिकवर। तो एंट्री इसकी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना है अमाउंट, कितना है 1000, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। एंट्री नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एंट्री अजय सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, ही ओव 2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, अजय सिंह जिससे हमें पैसा लेना था 2500 रुपीज, अब उससे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। जब अजय सिंह है कौन, जिससे पैसा मिलने वाला होता है उनको हम डेटर्स बोलते हैं, अब डेटर्स से कोई भी पैसा नहीं मिला, तो मेरा डेटर्स क्या हो गया, बैड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा डेटर्स बैड डेट हो गया, पूरा लॉस हो गया, लॉस कहाँ लिखेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू अजय सिंह, ठीक है। अभी जो मैंने उसमें नोट पे लिखवाया था कैश, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में करवाया था, हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स टू दिनेश, याद है कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश, जो पैसा नहीं मिला था उसको कहा लिखा था, बैड डेट के सामने, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या, पूरा का पूरा पैसा ही नहीं मिल रहा, तो पूरा पैसा कहा लिखेंगे, बैड डेट के सामने, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू अजय सिंह, कितना अमाउंट है 2500। नरेशन क्या होगा, बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड, ठीक है। फोर्थ एंट्री क्या है, 2000 फॉर वेजेस एंड 4000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, तो इसकी एंट्री क्या होगी, लिखवाया था ना मैंने, एक्सपेंस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, दोनों लिख लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना है, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपका 4000, ठीक है। बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। अब इधर आ रहा सेकेंड पार्ट इसका, फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ का सेकेंड पार्ट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कितना अमाउंट है, 20,000 and 20,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्डेड, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट है परचेज, नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर द प्रोप्राइटर, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा किसके लिए, प्रोप्राइटर के लिए खरीदा, तो प्रोप्राइटर के नाम पे कोई भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। मतलब फर्म के नाम, फर्म से प्रोप्राइटर के नाम पे कोई पैसा निकलता है उसको हम हमेशा ड्रॉइंग बोलेंगे। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एंट्री नंबर फिफ्थ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितना है, 6,000 बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर प्रोप्राइटर, ठीक है। सिक्स एंट्री क्या बोल रहा है, सिक्स बोल रहा है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपीज आपका क्या है, कैपिटल है, उस पर हमें क्या निकालना है, 9% इंटरेस्ट। तो 2 लाख इंटू 9/100 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 18,000। तो एंट्री क्या है, एंट्री में लिखवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अमाउंट 18,000 and 18,000, ठीक है। तो सिक्स एंट्री, इंटरेस्ट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 2,09%, 18,000 and 18,000 बीइंग इंटरेस्ट और कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है। लास्ट एंट्री सेवेंथ, लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, यहां पर अमाउंट निकाल कर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 1,000, तो एंट्री मैंने क्या लिखवाई थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, ठीक है। एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 1,000 and 1,000, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट, यहां पास टोटल, ठीक है, सबको ऐड करिए तो कितना आएगा टोटल आपका, 55,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, है ना। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, जनवरी 5 परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंड 200 फॉर कैरेज। तो एंट्री क्या होगी,
पहले गुड्स परचेज की एंट्री होगी, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000, फिर हमने कैरेज पे किया, किराया पे किया है तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 200, ठीक है। देखा इधर कैसे होगा, इसको करा ही देते हैं, पूरा नहीं कराएंगे, एक दो पॉइंट करा रहे हैं जो कि समझाने वाला पॉइंट है। वैसे ये क्वेश्चन आपको होगा कि ये 14 वाला, ठीक है, गुड्स हमने परचेज किया, क्या है 14 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ये डेट है January 5, हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, फिर हमने कैरेज पे किया तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया 10,000 का, कैरेज पे किया 200, तो कितना कैश पे किया 10,200, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 10th January, क्या बोल रहा है, परचेज मशीनरी, मशीनरी है, परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 फॉर इस कैरेज, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना मशीन है 50,000 की, कैरेज कितना पे किया है, कितना कैरेज पे है 500, तो मेरा कैश कितना गया 50,500, ठीक है, समझ में आया, कोई डिफरेंस दिख रहा है, हाँ कोई डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो फिर मैंने कराया क्यों जब कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ क्यों कराया, मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये वाला सही किया है और ये वाला गलत किया है, गलत क्यों किया है, एक नोट लिखवाया था याद है आपको, फिक्स असेट को यूज करने से पहले जितने भी उसके ऊपर खर्चे होते हैं उसी कॉस्ट में ऐड जाते हैं, फिक्स असेट वर्ड यूज किया, फिक्स असेट मतलब प्लांट मशीनरी फर्नीचर, अगर जब ये सब चीजें खरीदते हैं तो उनको यूज करने से पहले जितना भी खर्चा होता है उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, परचेज गुड्स किया, गुड्स तो फिक्स असेट है नहीं इसीलिए अलग से कैरेज लिखा, मशीनरी फिक्स असेट है, खरीदा उसको हम लेकर आए, लेकर आने कितना खर्चा दिया 500 रुपए, तो ये 500 रुपए अलग से नहीं लिखेंगे, ये 500 रुपए मशीनरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा क्योंकि मशीन अभी तक यूज नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पास कैरेज नहीं आएगा, ठीक है, और मशीन कॉस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट 550,500, ठीक है, बात समझ में आई, तो ये फर्क है पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में, यहां पास क्योंकि मशीन अभी हम खरीद कर ला रहे हैं यूज नहीं किया, तो यूज करने से पहले जितना भी खर्चा होगा उसी कॉस्ट में हम ऐड कर, यहाँ बस ऐड नहीं हुआ क्योंकि परचेज में वो नोट जो मैंने लिखाया था परचेज के लिए नहीं था, वो नोट से वो सिर्फ फिक्स असेट के लिए था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, 15 होमवर्क है, 16 भी होमवर्क है और 17 भी होमवर्क है, ठीक है, 17 में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पे 200 फॉर इट्स कैरेज, यहाँ पास भी कैरेज का अमाउंट मशीनरी के अमाउंट में एड हो जाएगा, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अमाउंट 20,200, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका होमवर्क है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू होगा 17 तक तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।